एक झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पाँव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो चार फांके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती, यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका, घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं, फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जा रहे थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे जाते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा देते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 8 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री को तो बहुत दिन हुए, देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था, जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतज़ार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो आ क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, उसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल
कुछ भी तो नहीं है घर में? सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुला कर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं, छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते, हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वह भोजन नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौरियाँ डाल देते हैं, मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब हमने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा हुआ न जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया, ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 120 पूरियाँ खाई होंगी? 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने न खाई होंगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी, उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी, उसके पेट में बच्चा मर गया था।
माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुद्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया, सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें चल दूर हो जा यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामत कर रहा है, हराम खोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला, उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था, किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई, कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चिथड़ा भी न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे, बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे, फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला,
मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ है? घिसु हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर भी वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घिसु ने दो शेर पूरियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर दो पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिसु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी, बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घिसु ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहोगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो ज़रूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया, बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न देंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घिसु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घिसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी,
किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई, वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है, दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आँखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घिसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद जी की।